हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आ जाइए फिर से, मैं खूबसूरत सी आपको जानकारी देने आ गई हूँ, और ऐसी जानकारी देने आई हूँ कि आप लोग सब देखते रह जाओ। रखा हुआ है और गजब का शानदार ट्री रखा है, और बहुत कॉस्टली ट्री रखा है। मतलब आप समझ गए होंगे कि आज मेरी वीडियो का टॉपिक क्या है, मतलब कि कहीं देर ना हो जाए। अभी अगस्त का महीना चल रहा है, अभी हमारे हाथ से अगस्त का महीना नहीं निकला है। जो आपकी बहुत आराम से हजारों के जो प्लांट आपके नर्सरी में मिलते हैं, वो भी आपको इतने आराम से मिल जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये कम से कम हमारे नर्सरी में 1000 रुपए का पौधा होता है, क्योंकि इसकी आप लंबाई देख सकते हैं, पूरी चौड़ाई देख सकते हैं। देख लीजिए कितना बड़ा प्लांट है, ये मेरा क्रिसमस ट्री, और ये मेरा साल भर का प्लांट है, और काफी खूबसूरत सा प्लांट है, और बहुत कॉस्टली प्लांट है। जब प्लांट की भी हम लोग कटिंग बहुत इजिली भी लगा सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ कटिंग दिखाऊंगी कि कैसे कैसे कटिंग लगाई जाती है, सिर्फ बताऊंगी कि कौन से कलरफुल महंगे पौधे हम लोग नर्सरी से जाने की जरूरत नहीं है, आराम से अपने घर में लगा सकते हैं। तो ये देख लीजिए, ये जो ये देखिए, ये लीफ ले लीजिए, कम से कम ये हमारी आठ कम से कम 4 इंची होगी लीफ हमारी। आपको बस यहाँ से लीफ, इसकी हार्ड लीफ तोड़नी है, जितनी नीचे की लीफ होती है सब पुरानी लीफ होती है। मैं इसकी कटिंग कई बार आपको लगा के दिखा चुकी हूँ, तो मेरा तरीका आप देख चुके हैं। इसमें खाली आपको टिप यहाँ से निकालनी है, टिप के जो रेसे लगे हुए हैं वो रेसे निकाल दीजिए। देख लीजिए ये रेसे लगे हुए हैं, पास में देख लीजिए ये रेसे लगे हैं, बस ये रेसे आपको साफ करने हैं। यहाँ पे आपको एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है, और बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी में लगा देना है। तो ये हमारे पौधे कम से कम 8-10 दिन में ग्रो हो जाएंगे, इसकी जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी, नहीं निकलेंगी तो 1 महीने का इंतजार कर लीजिएगा। 1 महीने में तो 100% मैं आपको गारंटी के साथ बताती हूँ कि आप इसकी जड़ देख लेंगे। तो ये आपके पास नॉर्मल पत्तियों वाले भी लाई हूँ, जो हमारे घर की शान बढ़ाते हैं, हमारे ड्राइंग रूम की शान बढ़ाते हैं। आ रही हूँ जो हमारे शान से जीते हैं, मतलब हमारे गार्डन इनके बिना बिल्कुल अधूरा है। फूल नहीं है, यहाँ पे कितनी सारी जड़ें निकल रही हैं। तो बस आपको जड़े वाला हिस्सा काटना है, नोडी एरिया, बस नोडी एरिया आप 2 इंच की कटिंग कर लीजिए, बस सिर्फ 2 इंच की कटिंग कीजिए, और बस नॉर्मल मट्टी में इसको लगा दीजिए, इसमें कोई जेल की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए फर्स्ट क्लास व्हाइट सिंगोनिया मेरा तैयार हो गया, और छोटे से कप में लगा है, देख सकते हैं। सिर्फ मेरा ये 2 इंची कप है, चाय भी पीने वाला कप है, और इसमें इतना प्यारा सा ये प्लांट, मतलब आप देख सकते हैं मैंने एक कटिंग से कितनी ढेर सारी कटिंग तैयार कर दी है। और ये हमारे बाजार में कम से कम 40 से 50 रुपए वाला मिलता है प्लांट, और 40-50 रुपए का एक जरा सा मिलता है, मुश्किल से 2 पत्तियां उसमें लगी होती है, जैसे ये मैंने कप में लगा रखी है। समझ लीजिए सिर्फ ये 2 पत्तियों का कम से कम 50-60 रुपए का मिलता है। तो क्यों नहीं हम इसको अपने घर में एक बार लाएंगे और सालों साल चलाएंगे। कॉस्टली प्लांट है ये भी हमारा, 100 कम से कम 100-200 का प्लांट मिलता है। और मार्केट में अगर ये वाला लेंगे तो कम से कम आपको ये आपको बताएगा 300 रुपए का बताएगा, और बहुत महंगा देगा, इससे भी ज्यादा दे सकता है। लेकिन ये देख लीजिए, इसकी भी मैंने कटिंग लगाई है, और इस प्लांट को भी मैंने कटिंग से लगाया है। कम से कम ये मेरा प्लांट 40 साल पुराना है, बहुत पुराना प्लांट है। मैं कहीं से इसको लेके आई थी, सिर्फ एक कटिंग लाई थी, और एक कटिंग से मैंने ढेरों कटिंग लगा ली है, आप देख सकते हैं यहाँ भी लगे हैं। और मैं आपको अपना पूरे गार्डन अभी घुमाऊंगी, पूरा गार्डन मेरा भरा पड़ा है इन कटिंग से। ये देखिए ये कटिंग लगी हुई है, देख सकते हैं कितने आराम से शान से जी रही है। ये देखिए ये कटिंग लगी हुई है, ये देख लीजिए कितनी छोटी सी कटिंग लगी है, मतलब इस तरह से कटिंग आप कहीं से भी इसकी जरा सी इसकी आप यहाँ से ले लीजिए। देखिए ये मैंने यहाँ से कितनी सारी कटिंग कर रखी है, देख सकते हैं एक कटिंग किया है, ये देखिए एक कटिंग की, ये 2 कटिंग करी, इस तरह से मैंने इसके प्लांट की काफी कटिंग कर रखी है। तो आप आराम से इसकी कटिंग लगा सकते हैं, इसकी कटिंग भी कम से कम 15-20 दिन लगता है रूट्स निकलने में, लेकिन 100% गारंटी से मेरे पूरे गार्डन में आपने भरा हुआ देखा है। मतलब कोई मैं इतने सारे प्लांट इकट्ठे एक से खरीद के तो नहीं लाऊंगी, ये बात तो आप अच्छे से जान रहे होंगे। तो मैंने ये सब कटिंग से लगाए हैं, और मैंने आपको कई बार इसकी कटिंग करके दिखाई है किस तरह से इसकी कटिंग लगाई जाती है। आप चाहें तो इसमें एलोवेरा का जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो बाजार का रूट हार्मोन ले सकते हैं, आप चाहें तो हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो आलू का इस्तेमाल कर, इसकी कटिंग लेनी है। और 8 इंची कटिंग को आपने डिप करना है एलोवेरा जेल में, और ठाट से नॉर्मल मट्टी में लगा दीजिए, और भूल जाइए मुश्किल से 10 दिन बाद इसमें आपको अपने आप ही ग्रीनिश दिखने लगेगी, और पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। अब ये देख लीजिए हमारा 100% ऑक्सीजन वाला प्लांट है, और ऑक्सीजन वाले प्लांट को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये पूरी दुनिया में मशहूर है हमारे सिर्फ ऑक्सीजन के लिए। मतलब कोरोना टाइम पे हजारों घरों में इसकी बहुत जरूरत थी, बहुत डिमांड थी इस प्लांट की, बहुत कॉस्टली मिलने लग गया था उस समय। किसी भी नर्सरी में जाओ 500-600 से कम कोई नहीं देता था, आजकल तो इसकी कीमत 200 रुपए की मिल जाती है। अगर आप इतना बड़ा लेंगे तो आपको 300-400 से कम नहीं देगा। लेकिन जो ये प्लांट स्नेक प्लांट भी हमारा कलरफुल पत्तियों वाला है, और 100% ऑक्सीजन वाला होता है ये प्लांट, बिल्कुल ऑक्सीजन फ्री। मतलब अगर आप इसको अपने बाथरूम, लोग ड्राइंग रूम में भी रखते हैं अपने ऑक्सीजन अच्छी रखने के लिए, बाथरूम में रखते हैं, किचन में हम लोग की गर्मी होती है किचन में रखते हैं इसको, तो ये भी हमारा ऑक्सीजन वाला प्लांट है। और सिर्फ एक लीफ, आप विश्वास करोगे सिर्फ एक लीफ से ये हमारा बहुत शानो शान चलता है, और बहुत ठाट से लग जाता है। बस थोड़ा सा टाइम जरूर लेता है भाई,
एक लीव से लग रहा है तो भाई आप समझ सकते हैं इस चीज को, जो चीज बिना जड़ के है, बिना उसके लंबाई के है, सिर्फ एक लीव से हम लगा रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लेगा ही। तो कम से कम इसकी 20 दिन में, 25 दिन में इसकी हल्की हल्की रूट्स निकलती हुई आप देखेंगे। लेकिन ये प्लांट ऐसा है जो जिंदगी भर, समझ लीजिए अमर अजर पौधा है, ये कभी मरता नहीं है। इसकी आप एक लीव भी, एक लीव से चार टुकड़े भी कर लेंगे, ठाठ से लग जाएगा। तो ये हमारा स्नेक प्लांट भी हमारे गार्डन की बहुत खूबसूरती बढ़ाता है और बहुत सानो सान चलता है। तो ये मैंने आपको इतने प्लांट से मिलवा दिए हैं। ये कलरफुल भी कह सकते हैं इसको, ग्रीनिश भी कह सकते हैं, ये सब हमारे गार्डन में ग्रीनिश देते हैं। ये मेरा स्पाइडर प्लांट है, देख सकते हैं इसकी लंबाई और बिल्कुल खूबसूरती देख सकते हैं। और मुश्किल से 12 इंच के पॉट में लगा है और सालों से लगा है, मैं सालों की क्या बता नहीं सकती हूँ, कितने सालों का, 30-40 सालों पुराना प्लांट है ये भी। मैंने एक प्लांट कहीं से लेके आई थी जहां पे 40 साल पुराना प्लांट लगा हुआ था और वहां से ही मैंने इसको ग्रो कर दिया है और कितने सारे मैंने इसके प्लांट बना लिए हैं। ये भी हमारे डिवाइडी एरिया वाले होते हैं, ये देखिए, ये भी बहुत कॉस्टली बाजार में मिलता है। इस तरह के प्लांट हमारे बहुत महंगे प्लांट मिलते हैं और हमारे गार्डन में, क्योंकि ये चिपकू प्लांट होते हैं, हमारे गार्डन में कभी साथ नहीं छोड़ते, इसलिए लोग इसको जरूर खरीदते हैं क्योंकि ऐसे प्लांट। तो आप अगर इसको भी लगाना चाहें तो ठाट से लगा सकते हैं। ये भी हमारे बेबी बेबी या देता है, बहुत हर सारे बेबी देता है, देख सकते हैं कितने सारे बेबी निकलते हैं। तो मैंने इनके बेबी निकाल निकाल के डिवाइड करके ढेर सारे लगा लिए हैं। ये देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है और ये देखिए एक यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरह से मैं ढेर सारे अपने एक प्लांट से ढेर सारे प्लांट उड़ा लेती हूँ, पूरे गार्डन को भर देती हूँ। और ये देखिए आ गया मेरा क्रोटन का, ये देखिए ये मेरा छींटदार पत्ते, जो कटिंग वाले पत्ते होते हैं इस तरह से मैंने, आप देख सकते हैं ये मैंने देखिए यहाँ से कटिंग से लगा रखा है। ये देखिए इस तरह से कटिंग से ये भी लग जाता है, ये भी बहुत कॉस्टली मार्केट में मिलता है, कम से कम आपको 100 रुपए का मिलेगा, कहीं पे 200 को मिलेगा, कहीं 300 को मिलेगा। तो ये कई जगह पे मैंने इसको लगा दिया है। ये भी थोड़ा टाइम जरूर लेता है, ऊपर की लीफ सूख जाएंगी, लेकिन हमारा तरीका वही होता है। मेरी आप कटिंग की ढेरों वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैंने बनाई है, उसमें आप कटिंग का तरीका देख लीजिएगा, बहुत सानो सान चलती है। तो ये भी मेरा कटिंग से बहुत अच्छे से चल जाता है, मतलब कि हमारे गार्डन में कलरफुल पत्तियों का क्या बात है, पूरी कलरफुल पत्तियों का ही राज चलता है। अब ये देखिए मेरा टिफिन बात किया, मैं अभी आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने इसको मदर प्लांट से कैसे डिवाइड कर करके लगा रखा है। ये देखिए ये इतनी सी सिर्फ कटिंग है, ये देखिए सिर्फ इतनी सी सिर्फ कटिंग है, देख लीजिए मैंने इसकी मुश्किल से 1 इंची या 2 इंची कटिंग लगाई है और मैंने कटिंग लगा के इसको गमले में लगा दिया था। और इसमें देख लीजिए कितनी खूबसूरत सी लीफ निकल आई है, देख सकते हैं कितनी प्यारी खूबसूरत सी लीफ निकली है। और ये हमारा सबसे कॉस्टली, मतलब सिर्फ इतना सा आपको 100 रुपीज का मिलेगा। सोचिए 1 इंची का मैंने 2 इंची का कटिंग लगाया है और ये आपको मार्केट में 100 रुपए 200 रुपए से कम कोई नहीं देता, सिर्फ इतना सा। सिर्फ इसकी लंबाई आप देख सकते हैं, पूरा पूरा मेरा गार्डन सिर्फ इसी से भरा हुआ है। और ये तो हमारा मैं आपको बता नहीं सकती, 1000 रुपए से भी ऊपर इसकी कीमत है। तो ये 1000 रुपए से भी ऊपर इसकी कीमत है और हजारों वाले प्लांट को मैंने इतनी जल्दी कटिंग से पूरे गार्डन भर दिया है। देख सकते हैं मेरे लाइन से पूरे ये प्लांट लगे हुए हैं और मैंने इसको पूरा गार्डन में अपने शान खूबसूरती बढ़ाने के लिए पूरी चार तरफ लगा दिया। बस इसमें क्या चाहिए होता है ना, ये आपको कभी खाद मांगता है, साल में एक बार गोबर, सिर्फ साल में एक बार रिपोर्टिंग आपसे मांगता है और हल्की सी छनी हुई धूप, मुश्किल से आधे घंटे की धूप या 1 घंटे की सर्दी में 1 घंटे की दे दीजिए, गर्मी में मुश्किल से आधे घंटे की भी धूप ना भी दीजिए, सिर्फ छन की धूप आ जाए उतनी ही बहुत है इसके लिए। पानी भी ज्यादा नहीं मांगता है आपसे, कम से कम 15 दिन में एक बार कटिंग मैंने अभी आपको दिखाई। और मेरी पहले की वीडियो आप देख सकते हैं, सारी कटिंग मैंने आपको A to Z कटिंग दिखाई है। तो आप ठाट से मेरी वीडियो देखिएगा और देखिएगा मैंने इस कटिंग को कैसे लगाया है। मैंने इसमें ना एलोवेरा जेल लगाया है ना मैंने इसमें हल्दी का लगाया है, सिर्फ मैंने इसकी एक कटिंग करी है। और ये डिफिन बाकी प्लांट इसको बोलते हैं हम लोग, तो ये डंडी, ये देखिए गन्ने की तरह इसकी डंडियां होती हैं, ये देखिए। बस हमने यहाँ से कम 2 इंची या 1 इंची सिर्फ कटिंग कर लेंगे, बस इतना नॉडी एरिया हमको बस यहाँ से काटना होता है। यहाँ देखिए यहाँ से इसकी लीफ निकलती है, ये देखिए सिर्फ यहाँ से इसकी लीफ निकल जाती है। बस आपको इतने इतने डंडे से काटने हैं और काट करके आप मट्टी में, नॉर्मल मट्टी में बिल्कुल लगा दीजिए और गजब का देख लीजिए। यहाँ पे भी मैंने लगा रखे हैं, ये देखिए इस तरह से बॉटल में ही मैंने लगा रखे हैं। तो मैंने इस तरह से कटिंग से ढेरों प्लांट, एक प्लांट के कम से कम 1000 प्लांट बना लेती हूँ, लोगों को गिफ्ट भी देती रहती हूँ जिसको इतने खूबसूरत प्लांट है भाई। और मार्केट में तो भाव पूछिए मत, नर्सरी में जाइए इतने भाव रहते हैं कि आप देख के ही सोचेंगे अरे भाई छोड़ो अपने घर ही चलते हैं, कहीं से आस पड़ोसी से मांग लेंगे। तो इतने खूबसूरत प्लांट को आप ठाट से लगा सकते हैं और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लगा सकते हैं। अब ये देखिए मेरा एग्लोनियम का प्लांट है, ये एग्लोनिया बोलते हैं इसको, एग्लोनिमा प्लांट बोलते हैं। ये भी हमारा गजब का, अब डिफिन बाकी आपको देख लीजिए, इसी की वैरायटी होती है ये एग्लोनिमा। बस इसमें थोड़े से व्हाइटनेश पत्ते हैं और इसमें रेड कलर के पत्ते भी आते हैं, ग्रीन और व्हाइट और व्हाइट और ग्रीन और रेड और व्हाइट, इतनी खूबसूरती प्रदान देता है और आपके गार्डनों में सालों साल चलता है। एक बार ले आइए
एक बार सिर्फ मार्केट से आपको उसको खरीदना है, या अगर आपके घर में निकलते हैं, देख सकते हैं कितने सारे बेबी निकल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए कितने सारे बेबी निकल रहे हैं, और इसके भी ठाट से आप बेबी निकाल लीजिए और बेबी लगा के आराम से भी एक गमले से 100 गमले तैयार कर सकते हैं। तो पर्पिल हार्ट से मिलाती हूँ, पर्पिल हार्ट भी हमारे गार्डन में राज करता है। ये देखिए क्रोटन का प्लांट, ये क्रोटन का प्लांट है, ये भी मैंने अभी आपको मैंने क्रोटन से मिलवाया था। ये थोड़ा सा नखरे वाला प्लांट है, इसको बहुत ज्यादा नखरे होते हैं, एक बार लगा दीजिए बहुत टाइम लगाता है लगाने में, पत्तियां निकल आती हैं उसके बाद भी पता नहीं क्या नाटक दिखाता है, तो कभी लगता है कभी नहीं लगता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी आप कोशिश जरूर कीजिएगा, कोशिश करने में क्या दिक्कत है भाई, मैंने जैसे लगा रखा है आप भी लगा सकते हैं, तो लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है। और ये देख लीजिए मैं इस तरह से आपको प्लांट दिखाने जा रही हूँ, ये देखिए ये पर्पिल हार्ट है, और ये भी हमारी कलरफुल पत्तियां हैं। ये जरूर हमारे बेचारे थोड़े सस्ते मिलते हैं, कम से कम 40 रुपए नर्सरी में मिल जाते हैं, लेकिन पूरे गार्डन में देख लीजिए, मेरे गार्डन में देख सकते हैं, मैं आपको गिनती करके नहीं दिखा सकती। और ये ऐसा नहीं मैंने क्यारी बना रखी है, सिर्फ अलग अलग पॉट में लगा रखे हैं, पूरे पॉट में भरे पड़े हैं, देख लीजिए यहाँ भी पॉट में भरे हैं, यहाँ भी पॉट में भरे हैं, यहाँ भी पॉट में, चारों तरफ पॉट में भरे पड़े हैं। तो ये प्लांट भी मेरे बहुत खूबसूरत हैं, और सिर्फ एक नोडी एरिया, सिर्फ एक नोडी एरिया से हजारों प्लांट बन जाते हैं, ढेरों सारे प्लांट बन जाते हैं, गजब की खूबसूरती बढ़ाते हैं। तो ये भी हमारे शान में मैं कह सकती हूँ मुश्किल से 2 इंची की 3 इंची की कटिंग आप इसकी लगा दीजिए, और इतनी गजब की अपने गार्डन में शान देती है ना कि आप खुद ही देख लीजिए क्या फूल निकल रहा है और क्या खूबसूरती है। मार्केट में 40 रुपए का निकल मिलता है मुश्किल से, मैं क्या बताऊं आपको, मतलब ये देख लीजिए, जैसे ये मैंने ये बोतल में लगा रखा है, सिर्फ इतना आपको 40 रुपए का मार्केट में मिलेगा, और ये आपके गार्डन में एक बार आपने कहीं पड़ोसी से चुरा लिया, सिर्फ एक डंडी मुश्किल से 2 इंची, ये देखिए ये सिर्फ इतना नोड एरिया, सिर्फ इतना नोड एरिया आप निकाल लीजिए और कहीं भी इसको कैसे भी लगा लीजिए। कोई आपसे जेल नहीं मांगता है, कोई आपसे हल्दी नहीं मांगता, कोई रूट्स बाउंड नहीं मांगता है आपसे, ये खुद ही जेल वाला प्लांट होता है और पूरे गार्डन में खूबसूरती बिखेरता है। मेरे गार्डन में इतनी खूबसूरती बिखेर रहा है, देख लीजिए कितने बड़े बड़े गजब के लीफ निकल रहे हैं इसके, ये देखिए इतने सुंदर, बिल्कुल मतलब मैं तो इसकी खूबसूरती ही नहीं बता सकती, मुझे तो अपने गार्डन में हजारों भी मिल जाए तो मैं हजारों जगह इसको भर डालू, पूरा गार्डन अपना पर्पिल हार्ट से बना दू, इसको पर्पिल हार्ट बोलते हैं, और बहुत खूबसूरत सा हमारे गार्डन में खूबसूरती शान देता है। ये कोलियस है, ये भी हमारी कटिंग से बहुत इजीली तैयार हो जाता है, आप देख सकते हैं ये कोलियस है इस तरह से, ये कोलियस है, और ये देखिए ये देखिए ये कोलियस है, ये देखिए ये कोलियस है, और भी मेरे गार्डन में भरे पड़े हैं, ये देखिए ये देखिए यहाँ भी कोलियस है। तो मैंने इसको भी एक एक कटिंग से लगाया है, मुश्किल से इसकी 8 इंची कटिंग ले लीजिए और इसके फटाक से लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए ठाट से लग जाता है, ना इसमें एलोवेरा की जरूरत है, ना इसे हल्दी की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठाट से आपके गार्डन में लग जाएगा। तो ये हमारा ठाट से ये भी लग गया, पूरे गार्डन में शान बिखेर रहा है, चारों तरफ सानी शान बिखेरता है। ये हो गया रियो प्लांट, हो गया रियो प्लांट भी हमारा, बोट लिली प्लांट भी बोलते हैं इसको। ये देखिए मैंने कप में ही यहाँ पे ढेर सारे प्लांट इसी तरह से लगा रखे हैं, ये देखिए ये रियो प्लांट है, ये भी हमारा कहीं से डिवाइड करके लगा दीजिए, ये भी डिवाइड से लग जाता है और चारों तरफ हमारे गार्डन की शान बिखेरता है। ये भी डिवाइड से देखिए इसमें इस तरह से जड़ें निकल जाती हैं, यहाँ से निकाल लीजिए, इधर से निकाल लीजिए, जड़ से निकाल लीजिए, डिवाइड करके निकाल लीजिए, ढेरों प्लांट होता है, पूरे गार्डन में आपके राज कर जाएगा। ये हो गया, ये देखिए डिफिन बाकी है, ये भी मैंने छोटे छोटे से कहते हैं, मैंने सारे कप यहाँ देखिए सारे मेरे कप लगे हुए हैं, मैंने छोटे छोटे से करके मैं लगा देती हूँ कटिंग कर करके, और पूरे गार्डन में इसको ढेरी बना देती हूँ, एक प्लांट से लेके हजारों प्लांट तैयार कर देती हूँ। तो फ्रेंड आज की मेरी यही वीडियो थी कि मैंने आपको इतने महंगे वाले प्लांट इतने सस्ते तरीके से बता दिए कि आप कहीं से भाई हजारों रिश्तेदार होते हैं सबके घरों में, कहीं ना कहीं कोई प्लांट मिल ही जाता है। तो ठाट से जाइए, बरसात का हम लोग का अगस्त का टाइम चल रहा है, देर बिल्कुल नहीं हुई है, ठाट से जाइए और सानो सौकत से प्लांट की एक डंडी लेके आइए और ठाट से अपने गार्डन में चारों तरफ लगा दीजिए, पूरा गार्डन आपका हरा भरा चमकने वाले सितारों से चमकता रहेगा और सालों साल चलता रहेगा। तो फ्रेंड चलती हूँ, फिर से आती हूँ कुछ ऐसे ही शानदार वीडियो लेके आपके पास फिर से। ओके फ्रेंड, बाय बाय।